कैसा लग रहा है और पीछे सारा गंदा पड़ा है। ये अभी मुझे बेडशीट बिछानी है, अच्छे से पूरा करना है, तो प्लीज इग्नोर। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज इग्नोर इग्नोर कीजिए यार, जो चीज अच्छी नहीं लग रही है उसको इग्नोर कीजिए, जो चीज अच्छी लग रही है उसको लाइक कीजिए। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम ब्लॉग को। तो जी आ गई हूँ किचन में मैं, यमी यमी सा मैंगो शेक बनाने के लिए, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से। देखो मैं कितने अच्छे से काट रही हूँ ना, बहुत स्टाइल मार के काट रही हूँ मैं, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था ये वीडियो के चक्कर में। सच्ची कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं बहुत स्टाइल से कट कर रही थी, ऐसे ऐसे कट करके वीडियो में दिखाऊंगी और ऐसे करूंगी। ओह माई गॉड, इसका तो मतलब कट तो वे गए थे पर इतनी बुरी बुरी शेप्स में कटे थे ना, कि इस शेप्स को तो बच्चे भी ना पहचान पाए। जो शेप्स होती है ना बच्चों, शेप्स बताओ कौन कौन सी होती है, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड ऑल द ऑल सारी शेप्स कट गई थी इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, डालना तो हमें ब्लेंडर में यही है, पीसना ही है इसको, जाना तो पेट के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन वही है ना, थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइल मारते हैं तो ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। तो मैं इनको अच्छे से पील ऑफ कर करके अच्छे से इसको कट कर लिया है मैं, छोटे छोटे बारीक बारीक छोटे छोटे आम थे दोनों, तो सोचा थोड़ा सा मैंगो शेक पिया जाए, क्योंकि ऐसे तो मैंगो अभी थोड़ी सी ख़राब लगने का भी डर रहता है, लेकिन मैंगो शेक हेल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट मैं किचन में आई तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया जाए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने और ये दिमाग मेरा बहुत काम आया और बहुत ही टेस्टी बना था ये, रियली में बहुत टेस्टी बना था। एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो। ये सारे कट किए हुए पीसीस जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप लोग भी बनाते ही होंगे। बस अपना बता रही हूँ मैं कैसे बना रही हूँ, सब लोग मैंगो शेक बनाते हैं सबको पता है कट करके ही डालना है। तो ये मैंने कट करके मैंने बड़े एक बर्तन में ही ले लिया था, पतीले में ही। इसके अंदर एक ट्विस्ट डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड करा है इसके अंदर। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा से मैं ना गिलासेस को थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही थी,
जो कि कोशिश मेरी सफल रही। तो साइड साइड में ये मैंने रूह अफ़ज़ा लगा लिया था साइड में, ताकि जब शेक डाले तो उसके बाद बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसका। कैसा है? कलर दिखाओ उसका साहिबा। तो कैसा लग रहा है? देखो अच्छा लग रहा है ना देखने में भी। तो बस ये तो बच्चे क्या है, नट्स वगैरह ऐसे ऊपर शेक के ऊपर नहीं लेते हैं, तो ये हम दोनों के लिए था। मतलब एक और गिलास मैंने बनाया था ऐसा, तो बस अपने लिए ये करा था मैंने। तो कैसा लगा है ये आपको बताना मुझे। थैंक यू वेरी मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।